Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture. As in the previous lecture, we have found the centroid in triangle, means medians of triangle आपने पहले find out किए हैं और जो medians of triangle के intersection से जो point आ रहा है वो centroid था, ठीक है? यहाँ पे हम एक question consider करते हैं जिसमें proper measurement given होंगी और उसको simplify करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले जो यहाँ पे question है, that is construct triangle A B C, ठीक है? जो triangle आपको construct करने के लिए कहा गया ना, पहली working हमारी ये होगी, उस triangle को construct करेंगे, ठीक है? और जिसके लिए आपको measurement given है, measurement A B आपको गिवन है, डेट इज 4.8 सेंटीमीटर. फिर मेजरमेंट BC आपको गिवन है, डेट इज 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है? और लास्ट मेजरमेंट आपको गिवन है एंड मेजरमेंट AC जो के 4 सेंटीमीटर की इक्वल है, ठीक है? अब देखिए पहली वर्किंग तो हमारी ये है ना कि हमें फाइंड सेंट्रॉइड हियर, ठीक है? मतलब ये भी कहा जा सकता है फाइंड सेंट्रॉइड और ये भी कहा जा सकता है कि draw the medians in triangle, ठीक है? अब देखिए इस working को show करने के लिए ना सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि shape draw करनी है, ठीक है? तो हम with the help of ruler यहाँ पे पहले base consider कर लेते हैं. अब देखिए base क्या होनी चाहिए, हमने ना इन तीनों measurements में से कोई base consider करनी है, आपके ऊपर ही choice है. मैं यहाँ पे 4.8 को draw कर रही हूँ, ठीक है? मतलब 4.8 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ करें, फ्रॉम 0 to 4.8 मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक है? अच्छा, लाइन ड्रॉ करने के बाद ना अब आपने क्या करना है, इसको प्रॉपर मार्क भी करना है कि ये लाइन कौन सी है, ठीक है? मतलब इसकी मेजरमेंट मेंशन करना है. आपने ए बी ड्रॉ किया ना, तो ए बी की मेजरमेंट है 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है? अब देखिए ए बी के बाद ना हमें यहाँ पे बी सी मार्क करना है, ठीक है? तो बी सी या ए सी अपनी मर्जी है, जो मर्जी रहे. तो यहाँ पे बी सी मैं पहले मार्क करती हूँ, तो उसके लिए हमें कंपस चाहिए, ठीक है? तो बी सी के मेजरमेंट 3.5 है ना, विद द हेल्प ऑफ कंपस यहाँ पे मेरे पास कंपस में डायरेक्ट स्केल शो हो जाता है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे 3.5 रेडियस की कंपस मैंने ओपन कर लिया. ओपन करके आप बी पॉइंट पे रखें, बी पॉइंट पे रखने के बाद एक आर्क लगा दें, लेकिन ये आर्क थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, ठीक है? मतलब हमें नहीं पता कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ आ रहा है. अब आप ऐसा करें, ए पॉइंट पे मूव करें और ए पॉइंट पे मूव करके आर्क लगा दें, ठीक है? जहां पे दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही है ना, वो पॉइंट बेसिकली हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कि जो थर्ड वर्टेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, एक्स्ट्रा आर्क्स को रेज कर देते हैं. रेज करने के बाद हम जो पॉइंट आ रहा है उसको देखते हैं कि उससे नाम क्या देना है. देखिये ए को बी, ए और बी को जो न्यू पॉइंट आ रहा है ना, डेट इज सी सी से ज्वाइन कर दें. अब ए सी के मेजरमेंट आपको 4 सेंटीमीटर गिवन थी, ठीक है? और बी सी की मेजरमेंट 3.5 सेंटीमीटर गिवन थी, ठीक है? तो आपने उसके अकॉर्डिंग इनको पहले यहाँ मेंशन कर दिया, ठीक है? अब हम ऐसा करते हैं कि इस फिगर में प्रॉपर ड्रॉ करते हैं मीडियंस को. मीडियंस ड्रॉ करने के लिए ना देखिए हमें क्या चाहिए, हमें बेसिकली मीडियन ड्रॉ करने के लिए इन सब की साइड्स को बाइसेक्ट करना है, ठीक है? बाइसेक्ट करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, अब इस फिगर में ना वर्किंग थोड़ी मैं कम शो करूंगी, ठीक है? क्योंकि काफी ज्यादा जब पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आते हैं तो आपके लिए भी इशू होता है, आपको समझ नहीं आती कि हमने कैसे करना है, ठीक है? तो बेस्ट ये है कि जब आप सॉल्व कर रहे हैं ना, जैसे देखिए हमें कंपस चाहिए, तो कंपस को कंसिडर कर लेते हैं. आप कंपस को हाफ से ज्यादा ओपन कर रहे हैं, ठीक है? जैसे ये 4.8 है ना, तो मैं यहाँ 4 तक ओपन कर लेती हूँ, या इससे भी ज्यादा ओपन कर ले, बेशक मतलब इतना ओपन कर ले कि ट्राइंगल के बाहर ये सारी लाइन्स आ रही हूँ, तो मतलब वो अब आप पे डिपेंड करता है. मैं एक आर्क टॉप पे लगा रही हूँ और एक आर्क बिलो दिस लाइन लगा रही हूँ, ठीक है? जितनी आप मेजरमेंट्स ग्रेटर रखेंगे ना, उससे शेप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शेप हमेशा वही ड्रॉ होगी, लेकिन जस्ट आपके पास ऐसा पॉसिबल है कि जो लाइंस है वो एक्सटेंड हो जाए, मींस जो शेप है वो उसकी रेंज बढ़ जाए, ठीक है? अब ना विद द हेल्प ऑफ स्केल आपने क्या करना है, मतलब अगर आपको मुश्किल हो रही है ना कि जो हमारी फिगर है बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो रही है, पेज पे पूरी नहीं आ रही, तो बेस्ट ये है कि आप क्या करें विद द हेल्प ऑफ स्केल. जैसे देखिए मैंने इस स्केल को
इस पॉइंट पे रखा और यहाँ पे मैंने एडजस्ट कर लिया। देखिए इस फुल लाइन को हमने ज्वाइन करना होता है ना, अगर आप फुल ज्वाइन नहीं करना चाह रहे ना तो यहाँ पे बेस्ट ये है कि आप एक डॉटेड लाइन प्लॉट कर दें। ठीक है, मतलब देखें डॉटेड लाइन से हमें क्या बेनिफिट होगा कि बहुत ज्यादा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आ रहे होंगे, आप जो है वो क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि ये लाइन मीडियन को रिप्रेजेंट कर रही है और ये वैसे आप यहाँ पे ये बनाए। ठीक है, तो ये देखें मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन मेंशन कर लिया, तो आप भी बेशक इसको डॉटेड ही बना लें। ठीक है, मेन काम हमारा ये था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैं एल मार्क कर देती हूँ। अब आप ऐसा करें, सेम प्रोसीजर यूज करें और यहाँ पे जरा इस लाइन को भी बाइसेक्ट कर लें, मीन्स बी सी को बाइसेक्ट कर लें। ठीक है, तो बी सी को बाइसेक्ट करने के लिए भी अगेन मैंने कंपास को कंसिडर किया। कंपास को कंसिडर करके मैंने हाफ से ज्यादा ओपन करना है, हाफ से ज्यादा जितना मर्जी ओपन करें। तो यहाँ पे देखिए मैंने फुल ही ओपन कर लिया है, हाफ से ज्यादा ओपन करना है ना, अपनी मर्जी है जितना मर्जी करें। तो ये देखें एक आर्क इधर लगाएं और एक आर्क आप इस साइड लगा लें। ठीक है, यूं करके फिर आप इस पॉइंट पे मूव करें, सी पे, सी पे मूव करके आप एक आर्क यहाँ लगा लें। ठीक है, ये देखें सेकेंड जो आर्क होती है ना वो हमारे लिए लगाना आसान होती है क्योंकि उसमें जरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें क्लियर मिल रहा होता है। ठीक है, मतलब बहुत एक्सटेंड नहीं करना पड़ रहा होता। तो इन दोनों को ज्वाइन कर दें, ज्वाइन करने के बाद आप जो है वो यू बना लें। ठीक है, अब यहाँ पे आपने इन को रेस कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे इसको भी रेस कर देना है और इसको भी रेस कर देना है। ठीक है, अगेन विद द हेल्प ऑफ स्केल मैं यही वर्किंग कर रही हूँ कि स्केल को सेट कर रही हूँ। ठीक है, सेट करते हुए ना ये देखिए एक मैंने पॉइंट प्रेस किया और दूसरा मैं यूं करके इस स्केल को सेट करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, जब आप स्केल को सेट कर लेंगे ना तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, फिर हम डॉटेड लाइन इजीली लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखें कि मैं यहाँ पे येलो कलर में ही एक डॉटेड लाइन जस्ट मार्क कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन डॉटेड लाइन मार्क करके ना आपने ये देखना है कि सिर्फ हमने मिड पॉइंट ही निकालना था, तो मिड पॉइंट पे आपने लाजमी मार्क करना है। ठीक है, तो ये देखें जो सेकेंड मिड पॉइंट आ रहा है ना उस सेकेंड मिड पॉइंट को भी मैं मार्क कर रही हूँ, डेट इज एम हेयर। ठीक है, अब आपने थर्ड साइड को बाइसेक्ट करना है। ठीक है, थर्ड साइड को बाइसेक्ट करने के लिए अगेन मैं क्या करती हूँ, विद द हेल्प ऑफ कंपास हाफ से ज्यादा ओपन करते हैं। तो जैसे हाफ से ज्यादा ओपन करना है ना तो बेशक आप इतना ही ओपन कर लें, फोर है ना मेजरमेंट ए सी की, तो फोर अगर है तो बेशक जितना मर्जी ओपन करें। तो मैंने थोड़ा ज्यादा ओपन कर लिया, एक आर्क यूं लगा दें। ठीक है, और एक आर्क आप दूसरी साइड लगा दें, थोड़ी बड़ी लगा देते हैं ताकि बाद में हमें ना लगानी पड़े, हम एक्स्ट्रा को रेज कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप ऐसा करें कि यूं करके आर्क लगाएं, तो देखिए सेकंड वाली आर्क को हमारे लिए इजी हो जाती है लगाना। ठीक है, फिर आप इस साइड पे भी यूं करके आर्क लगा दें, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना विद द हेल्प ऑफ स्केल आप अगेन इनको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, स्केल को हम यूं करके सेट कर लेते हैं, इसको रोटेट कर लेते हैं और हमें मजीद एक्सटेंड भी करना है क्योंकि अब लाइन थोड़ी बड़ी आ रही है। You can see here कि जब हम सेट करेंगे तो कुछ इस तरह से सिचुएशन आ रही है। ठीक है, इनको आपस में हम ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन करते हुए यू करके आप मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लें। ठीक है, देखिए ये तो था प्रोसीजर जिसके थ्रू आपने प्रॉपर ड्रॉ कर ली लाइन साइड। ठीक है, मतलब मिड पॉइंट हमने निकालने थे ना, तो मिड पॉइंट निकालना।